हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम विक्रांगी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो फंडामेंटल एनालिसिस में बेस्ट स्टॉक है। एंड आप इस स्टॉक से आप डिविडेंड भी पा सकते हैं। एंड ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो आपको फाइनेंशियल सर्विस पे ऑलमोस्ट रिस्क नहीं होगा। एंड आप कभी भी किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते वक्त कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं आपको प्रॉब्लम भी होती है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका करंट प्राइस है 37.70 रुपये होता है। एंड इसका टू डे जो अपर सर्किट रहा है, 8.65% इसका अपर सर्किट लगा है इस स्टॉक का, जो काफ़ी बेस्ट लगा है। एंड इसका मैक्सिमम रिटर्न देख सकते हो, इसने ऑल टाइम रिटर्न भी काफ़ी बेस्ट दिया है। 986% इसका अपर सर्किट लगा है ऑल टाइम, जो काफ़ी बेस्ट रहे। एंड इसका फाइनेंशियल सर्विस देखो गाइस, इस कंपनी के कितना बेस्ट इसके फाइनेंशियल सर्विस है। इसका स्थापना हुआ था 1990 में, इसका स्थापना हुआ था हेडक्वार्टर इंडिया में। एंड इस कंपनी को एक कंपनी ऑलमोस्ट इसे सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करती है, VLE गवर्नमेंट एंड IT सेक्टर सोल्यूशन लिमिटेड, जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा इसे सपोर्ट करती है। एंड इसका आप क्वार्टर फाइनेंशियल सर्विस देख सकते हो, इन्होंने इस साल का अपडेट किया है। इसका रिवेन्यू जो टोटल होता है 208 करोड़ के अराउंड इसका टोटल रिवेन्यू है, जो अपर सर्किट में है, ग्रीन में दिखा रहा है। एंड इसका नेट इनकम है 29 करोड़, जो ग्रीन सिग्नल में, जो काफ़ी बेस्ट है। इसका अर्निंग पर CR जो है 0.28% होता है, जो ग्रीन सिग्नल में अपर सर्किट में लग रहा है। बट इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। बट आप सब पेशेंस रखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 14% के अराउंड होता है। ऑपरेटिंग इनकम है 38 करोड़, इसका ऑपरेटिंग इनकम होता है, जो काफ़ी ज़्यादा इसका ग्रीन में है। 1117% अपर सर्किट में है। इसका कॉस्ट रिवेन्यू जो है 160 करोड़ होता है, जो ग्रीन सिग्नल में 160% अराउंड है। अब गाइस, इसकी मेन वेबसाइट पे चलो, वहीं पे सारा एनालिसिस आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। आ चुकी है गाइस इसकी मेन वेबसाइट पे skinner.com पे। एंड गाइस बता दें, इस कंपनी के जो बिजनेस है फाइनेंसिस बेस पे बिजनेस है, जो ऑलमोस्ट ये कंपनी लोन एंड बहुत सी कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकती है। इसका बिजनेस आप देख सकते हो, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस, ये कंपनी जो है वाइट लेबल ATM है, फाइनेंशियल सर्विस, ई कॉमर्स साइट इसके वेबसाइटें हैं। एंड इस कंपनी को गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा इसे प्रोजेक्ट दे के अपने वर्क को अच्छा खासा हैंडल करती रहती है। एंड ये स्टॉक आप देख सकते हो, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, दोनों पे लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप जो है 4000 करोड़ के अराउंड होता है, जो 4 ट्रिलियन के अराउंड है। इसका हाई प्राइस एक साल में गया था 66.08 रुपये, एंड लो प्राइस गया था 28.09 रुपये, इसका लो प्राइस गया था। स्टॉक पर अर्निंग आप देख सकते हो 41% के अराउंड है। एंड बुक वैल्यू जो है 25 रुपीज़ इसका बुक वैल्यू होता है। एंड ये कंपनी आपको डिविडेंड देती है, 0.27% का इसका डिविडेंड है। रिटर्न एंड इक्विटी जो है 2.37% है, जो काफ़ी बेस्ट है। फेस वैल्यू जो है 1 रुपया है, जब मार्केट में लिस्टेड हुआ था इसका प्राइस था 1 रुपये। अब आप इसका मैक्सिमम रिटर्न देख सकते हो, कितना ज़्यादा इसका हाई प्राइस गया था। हाई प्राइस गया था 500 रुपये के अराउंड इसका हाई प्राइस गया था, जो इन्वेस्टरों ने इस स्टॉक से अच्छे खासे सेल आउट करके प्रॉफिट बुक किए थे। एंड इस कंपनी के आप इंडिकेटर्स देख सकते हो, जो काफ़ी बेस्ट माने जाते हैं। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एंड इसके गुड क्वार्टर हैं इस कंपनी के। एंड ये कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट करती है, 61% के अराउंड इसका मेंटेनिंग डिविडेंड होता है। एंड इसका आप कॉन्स में देख सकते हो, जो थोड़ा सा रेड में देखने को मिल रहा है, इसका जो लास्ट 5 ईयर का जो पुअर सेल है माइनस में है, 37% के माइनस में चल रहा है। एंड कंपनी का रिटर्न एंड इक्विटी जो है थोड़ा सा लास्ट 3 ईयर का माइनस वो प्लस में है, बट इसमें रेड में देखने को मिल रहा है, 1.96% इसका रेड में देखने को मिल रहा है। अब आप इसकी IT एंड सेक्टर देख सकते हो, इसका इंडस्ट्रीज है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर कन्वर्ट, एंड इसका सेक्टर है IT सॉफ्टवेयर। ये कंपनी ऑलमोस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस, बहुत से टाइप के इसके बिजनेस ऑलरेडी होते रहते हैं। एंड इसका कंपटीशन देख सकते हो, किस किस कंपनीज के साथ होते रहते हैं, डेनलो टेक हो गया, LLC इन्फोटेक हो गया, एजल हो गया, ये काफ़ी फेमस कंपनीज हैं गाइस, इसके साथ कंपटीशन होते हैं। गाइस इस कंपनीज का क्वार्टर रिजल्ट देख सकते हो, इन्होंने इस साल का अपडेट किया है। इसका सेल जो हुआ है 209 करोड़ इसका सेल हुआ है। एंड इसके खर्चे जो हुए हैं 166 करोड़ इसके खर्चे हुए हैं। अब आप इसका बैलेंस शीट देखो गाइस, कितना इन्होंने लाइबिलिटीज ले रखा है, कितना इन्होंने एसेट बनाया है। 3000 करोड़ इसका लाइबिलिटीज होता है, जो ऑलमोस्ट कंपनी ने मार्केट कैप से कम ले रखा है। अब आप इसका टोटल एसेट भी देख सकते हो, 2900 करोड़ के अराउंड इसका एसेट भी है। कंपनी जो है लाइबिलिटीज़ के साथ कंपैरिजन में चल रही है। अब आप कंपनीज का मेन टॉपिक देख सकते हो गाइस, कंपनीज के पास कैश फ्लो है या थोड़ा सा माइनस में है।
कंपनी जो है थोड़ा सा माइनस में चल रही है, 7 करोड़ इसका कैश फ्लो माइनस में है। एंड इसका प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो 42% के अराउंड इसका प्रमोटर होल्डिंग है, एंड पब्लिक होल्डिंग जो है 43% के अराउंड पब्लिक होल्डिंग है। एंड इस कंपनीज में ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 6% के अराउंड इसके शेयर होल्ड किए हैं, जो काफ़ी बेस्ट में रहे हैं। एंड इस कंपनीज में ऑलमोस्ट बहुत सी कंपनियों ने अपने फंड को इन्वेस्ट कर रखा है। तो गाइस आप कभी भी किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते वक्त आप अपनी पर्सनल रिसर्च कर लेना एंड ब्रोकर से साथ कंपैरिजन में कर लेना। आई होप गाइस वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट की तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।